हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अचीवर जोन। जैसा कि लास्ट वीडियो पे आपको इन्फॉर्म किया गया था कि अब हम कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीखने वाले हैं जो एग्जाम पे काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसी सीरीज पर मैं विवेक आज आप लोगों के साथ मैथ्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो सीरीज पार्ट के अंदर आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऐसा क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, तो जानेंगे कैसे इसको हम सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 upon 3 into 7 plus 1 upon 7 into 11 plus 1 upon 11 into 59 and so on 1 upon 899 into 903। यहां तक के सीक्वेंस पर हम लोग गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको पांच ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से पांचवा ऑप्शन जो है जनरली बैंकिंग के एग्जाम्स में आता है, और अगर स्टेट लेवल या एसएससी जैसा कोई भी आप कंपिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्लास के अंदर जनरली जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ तो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। रीज़न, वो इसे थोड़ा बेसिक वे में बनाने की कोशिश करते हैं और ये उनके लिए टाइम टेकिंग हो जाता है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करें, कैसे जल्दी से होगा फिर मैं आपको ये डिस्कस करता हूँ। चलिए तो मैं डायरेक्टली अभी डिस्कशन इसका स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपने वो वर्क कर लिया होगा। जब भी मैं क्वेश्चन ऐसा आपको कराता हूँ तो आपको सेम वर्क करना है और ये चेक करना है आप उसको कितने टाइम पर कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते तो फिर आप उसको आगे वीडियो को फॉरवर्ड करके देखें क्या सॉल्यूशन है। यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले तो ध्यान से एनालाइज करिए। 1 upon 3 into 7, इधर देखिए 7 into 11, 11 into 15 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज इसी तरीके से कॉन्टिन्यू होती गई है, और ये जो 899 और 903 यहां पर जाकर रुकती है, ये आपका लास्ट टर्म है। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से हुई थी? 3 से, और लास्ट कहां पे हुआ था? 907 पे। एक चीज आप लोगों ने यहां पर और गेस कर ली होगी, वो क्या है? गैप। जैसे देखिए 3 और 7 इनके बीच गैप 4 का है, 7 और 11 के बीच गैप 4 का है, 11 और 15 के बीच भी गैप 4 का है, और ये जो लास्ट टर्म है यहां पर भी गैप 4 का ही है। अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आएगा तो दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक सिंपल वे होता है और दूसरा ये होता है जहां पर गैप आपका मल्टीपल्स पे हो सकता है। कैसे? दो पार्ट, जैसे एक पार्ट आपका बन सकता है n इंटू n प्लस 1 फॉर्म पर। अब ये भी मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा, जहां पर दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को लिया गया है इसी तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म पे। और दूसरा टाइप ये बनता है जो आपके सामने दिया हुआ है, ये टाइप 2 है। टाइप 1 भी अभी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं इसी के साथ साथ। यहां पर क्या होता है कि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर का फॉर्म नहीं बनेगा, यहां पर जो भी गैप होगा डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। तरीका क्या होता है वो भी आपको बता दूं, पहले फॉर्मूला फिर कैसे आया और फिर और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके लिए आप एक चीज याद कर लीजिए, कभी भी इसका आंसर आपसे पूछे तो 1 upon gap ब्रैकेट के अंदर 1 upon first माइनस 1 upon last। अब ये सब कुछ क्या है? गैप तो आप समझ गए कि सर यहां पर जो गैप है वो कितने का है? 4 का है, तो 1 upon 4 हम रख लेते हैं। ये फर्स्ट और लास्ट क्या है समझ गए होंगे आप लोग, वही टर्म्स जो मैंने मार्क करे हैं। देखिए फर्स्ट टर्म जहां से स्टार्टिंग है 1 upon 3 माइनस लास्ट जहां पर एंड है 1 upon 903। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 upon 4, एलसीएम हो जाएगा 903, इधर 3 से डिवीजन होगा तो आपका बनेगा 301 माइनस 1 upon 903, सो रिजल्ट विल बी 300 upon 4 into 903। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके लिए कितना बन जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखिएगा आप लोग, 25 upon 301। अभी भी अगर डाउट है तो इस 4 से ये डिवीजन हो जाएगा 25 and 301। देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन था। वहीं पर अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग आपके लिए हो जाता है। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखें, ये आपका कहीं पर भी लग सकता है। अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स भी बन रहे हैं जैसे 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, इस तरीके से भी अगर सीरीज आगे बढ़ रही है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, टाइप 1 जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि वो कैसे होगा। इसको सबसे पहले तो नोट कर लीजिएगा और अगर ट्रिक समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का टाइप कैसे बनता है वो डायरेक्टली मैं आपको लिख देता हूँ, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ यहाँ पर। ये देखें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1/9, अब ये हो गया आपके लिए बेसिक टाइप, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 30 1/42 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/72, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम पे पूछा गया। देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि अगर ये इस तरीके से गैप आपको दिखता है यहां पर कोई गैप नहीं होगा, इसको आप देखें 2 × 3, ये है 3 × 4, 4 × 5 एंड सो ऑन, यहां पर आप जाएंगे तो 8 × 9। अगर आप देख पाए तो ये जो 1/9 है यहां तक कोई भी पार्ट किसी भी सीरीज को फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर हम इस पार्ट को देखें तो आपको सीरीज फॉलो होते दिखाई दे जाएगी, राइट। तो करना क्या है, 1/9 को बाहर रखिए, इसे आप सोल्व करना जानते हैं 1/gap। अब गैप क्योंकि यहां पर 1 का है तो आपको यहां पर उसे लिखने की कोई नीड है नहीं, आप डायरेक्टली लिखिए 1/1 मीन्स 1/2 माइनस 1/लास्ट एंड लास्ट मीन्स 1/9, क्या होगा रिजल्ट आपके पास, 1/2 विल बी द आंसर। इस तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हैं। एक और तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी इसको कर लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ 1/6 और आपको पता है 6 आया है 2 × 3 से, अगर आप इसे एनालाइज करें तो 1/2 माइनस 1/3, इसे सॉल्व करने पर ये टर्म आपको मिल जाएगा। 12 की अगर हम बात करते हैं तो 12 कैसे आया, देखिए 3 × 4 से, तो इसे आप देखें तो 1/3 माइनस 1/4 मिल सकता है। इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए आप 1/72 तक भी आप पहुंचेंगे तो ये आपको दिखेगा 1/8 माइनस 1/9 से आया है। तो इसी तरीके से आप इन रिजल्ट्स को यहां पर रख सकते हैं और सेम वे पे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो ही गया होगा, बहुत ईजी से स्टेप्स हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम पे रिपीट बहुत होता है, वेरियस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लें। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, उसे आप लोग खुद से करके देखेंगे। अगली क्लास जो अपनी होगी वो भी यहीं से स्टार्ट होगी, और आप लोग बताएं वीडियो पसंद आया है कि नहीं, मैं ऐसे ही और वीडियो आपके लिए काफी सारे बनाऊंगा। स्टार्टिंग हम लोग सिंप्लीफिकेशन से ही करेंगे और फिर 1/1 हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। जैसे ये देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से एग्जाम पे, इसे आप सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए टाइप वही है, अगर आप इसे एनालाइज कर पा रहे हैं तो गैप भी आपको दिखाई दे गया होगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स का पार्ट है, मीन्स 1/1 का गैप है। यहां देखेंगे 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 एंड सो ऑन कंटिन्यू रहेगा, और ये क्या है 11 × 12। आप सॉल्व करें,